नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ दिल्ली पटना समेत कई शहरों में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। कांग्रेस मुख्यालय के आसपास और ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। खबर है कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई, क्योंकि पुलिस उन्हें आगे जाने से रोक रही थी। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय के आसपास पहले ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। वहीं पटना की सड़कों पर भी ऐसी ही तस्वीर दिखी। सोनिया गांधी के सपोर्ट में नेता कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लिए जमकर हंगामा और नारेबाजी की। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की पूछताछ को मोदी सरकार की बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। राजस्थान के सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार को शर्म नहीं आती किसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। पूरे देश में हो रहा है, सरकारें गिराने का काम यही कर रही है, जिस रूप में ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो जग जाहिर है, तो नई बात तो है। हमारे आम कार्यकर्ताओं को ऑफिस में घुसने नहीं दिया जा रहा है, कुछ मीडिया लोगों को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, आखिर किस बात से डरती है सरकार? बिल्कुल बोगस केस है, आपने हर तरह से तानाशाही करने की ठान ली है, लेकिन हमने भी आपसे उसी शिद्दत से लड़ने की ठान ली है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि ईडी की झूठी पूछताछ से आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं। सिद्धांत की लड़ाई है, वकालत की लड़ाई जहां लड़नी होगी वहां हम लड़ेंगे, ये सिद्धांत की लड़ाई है। ये दिखाना है कि आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता इससे कितना रुष्ट है इस बात से, और इसलिए कि इस देश की अस्मिता भारत की के लोकतंत्र पर डिपेंडेंट है, और भारत के लोकतंत्र को इतना बड़ा हमला हो भारत के लोकतंत्र पे, जिसकी प्रतीक हम सोनिया गांधी जी को मानते हैं उसने। जबकि शशि थरूर ने कहा कि ये अन्याय चल रहा है और अन्याय की राजनीति नहीं होनी चाहिए।